गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास फोर्थ के जीके का चैप्टर नंबर 11 पढ़ेंगे, स्लोगन रोस्टर, राइट? सो लेट्स स्टार्ट. दीज फ्रीडम फाइटर वे आर नोन फॉर दी फेमस स्लोगन दे गेव. नेम देम एंड प्लेस द करेक्ट स्लोगन फ्रॉम दी बॉक्स अगेंस्ट देयर नेम. ओके, ये जो फेमस पर्सनालिटी हैं, ये सब जितने भी हैं, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, तो इन सब का अपना एक, इन लोगों ने स्लोगन दिया था और जो कि फेमस हुआ था उस टाइम पे, ठीक है? तो वो स्लोगन क्या क्या, महात्मा गांधी का स्लोगन था डू और डाई, बाल गंगाधर तिलक स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट. सुभाष चंद्र बोस का क्या था, गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम. जवाहरलाल नेहरू, आराम हराम है. भगत सिंह, इनकलाब जिंदाबाद. लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान. ये इनका फेमस स्लोगन था जो बहुत फेमस था. तो इसमें फर्स्ट चैप्टर में आपका कुछ नहीं, स्लोगन है. और इससे वैसे भी मैंने आपको 10 एक्स्ट्रा इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए हैं, तो आप उससे पढ़ लीजिएगा, ठीक है? कि और भी कुछ ऐसे फेमस पर्सनैलिटी थे जिनके अलग अलग स्लोगन्स थे, ठीक है? तो चैप्टर नंबर आपका जो 12 है, इंडियन टूरिज्म. टूरिज्म मतलब कि हमारे इंडिया में बहुत ऐसी ऐसी प्लेसेस हैं जो कि घूमने लायक है. हम लोग इनफैक्ट जाते भी हैं घूमने, समर वेकेशन में, विंटर वेकेशन में घूमने सब हम लोग जाते हैं. तो वैसे ही ये कुछ इंडिया में अच्छे अच्छे स्पॉट्स हैं जहाँ ये, जिसे हमको पढ़ना है इस बुक में, ठीक है? Read this amazing fact about the major tourist spot in India and name them. हमारे इंडिया में major, बहुत बड़े बड़े tourist places हैं, spot हैं जहाँ पर हम घूमते हैं, उसका नाम बताना है. There are an archipelago of over 570 island of which only 36 are inhabited. He have a look beach on these island is enlisted the 7 most spectacular beach. There are the Andaman Island, right? तो ऐसे ही बहुत सारे beaches हैं अपने इंडिया में. आपको पता होगा गोवा में कितने सारे beaches हैं, मुंबई में beaches हैं, right? आपका ये है, located in Assam, which is called the gateway of Seven Sister State. This national park is home to the great Indian rhinoceros. It is a Kaziranga National Park. Okay, जहाँ पे rhinoceros रहते हैं, खूब सारे rhinoceros को रखा जाता है, उस वो जो national park है उसका नाम है Kaziranga National Park. Okay. Now चैप्टर नंबर 12 का ही 15 है. नेम दिस फेमस टूरिस्ट स्पॉट ऑफ इंडिया एंड राइट द सिटीज़ दे बिलोंग टू. ये फेमस स्पॉट है, ये देखिए जो बने हुए हैं पिक्चर्स, इसे देख के आपको उस जगह का नाम बताना है. तो ये तो ऑब्वियसली सबको समझ में आता है, ये ताजमहल है, इंडिया गेट, ठीक. ये रॉक गार्डन चंडीगढ़. तो ये आप यहाँ से अपने बुक में इसको कंप्लीट करेंगे, राइट? नाउ थर्ड आपका जो है चैप्टर, वो इंडियन फैक्ट फाइल. इंडियन फैक्ट फाइल का यहाँ पे ये मतलब है इस चैप्टर में आपको, कि अपने इंडिया में कुछ चीज़ें एकदम फैक्ट, फैक्ट मतलब सच होता है, ठीक है? फैक्ट का मतलब होता है सच्चाई जिसमें होती है. तो इंडिया में कुछ ऐसी ऐसी सच्चाई हैं, ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे. जैसे चेस वॉज इन्वेंटेड इन इंडिया. भाई बहुत सारे गेम्स हैं लेकिन जिसमें से चेस हमारे इंडिया ने इन्वेंट किया है. इंडियन रेलवे इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉय इन द वर्ल्ड, एम्प्लॉइंग अप्रॉक्सीमेटली 1.334 मिलियन एम्प्लॉयज. मतलब हमारे यहाँ का जो इंडियन रेलवे है उसमें सबसे ज़्यादा एम्प्लॉय को रखा है, कितने, 1.334 मिलियन, राइट? The world highest cricket ground is in call of Himalaya, Himachal Pradesh, ठीक है?
ना ये इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग नेशन, हमारा इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट है। ओके अब ये वाराणसी इज़ द ओल्डेस्ट कंटिन्यूसली इनहैबिटेड सिटी, हमारा जो वाराणसी है बनारस जिसको हम बोलते हैं वो वर्ल्ड ओल्डेस्ट सबसे पुराना इनहैबिटेड सिटी है। अब नेम दीज यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कौन कौन से किसने क्या बोला है, जैसे क्या चीज़ें हैं, अपने नेशनल सॉन्ग क्या है, वंदे मातरम, ठीक, नेशनल एंथम, जनगण मन, नेशनल फ्लैग, ट्राई कलर, नेशनल एनिमल टाइगर, नेशनल फ्रूट मैंगो, नेशनल बर्ड पिकॉक, राइट। अब लैंडमार्क, चैप्टर नंबर 14 आपका लैंडमार्क। लैंडमार्क एक्चुअली ये होता है, जैसे सपोज करिए आपके घर घर कोई आ रहा है, अब उसको कोई आपको आपके घर आना है तो वो कैसे पूछेगा, ठीक, तो आप उसको अपने घर का तो प्रॉपर एड्रेस दोगे बट फिर भी आप उसे एक लैंडमार्क बताओगे, मेरे घर के पास एक पीपल का पेड़ है, मेरे घर के पास बहुत बड़ा सा पूल है, बहुत बड़ा सा बीच है, पार्क है, ऐसी चीज़ें बता दे, दैट इज़ कॉल्ड लैंडमार्क। ओके तो यहाँ पे है ईच कंट्री हैज़ अ फ्यू सिटी दैट आर ऑफन पॉपुलर फॉर देयर लैंडमार्क, ठीक है, कुछ सिटीज़ ऐसे हैं जो अपने लैंडमार्क से पॉपुलर हैं। विच द सिटी इन कॉलम ए, द कंट्रीज दे बिलोंग टू इन द कॉलम बी, ठीक है, कॉलम ए कॉलम बी है, ठीक, इसमें सिटीज़ के नाम लिखे हुए हैं और ये कंट्री के नाम है, ठीक है। अब ये देखिए ढाका, चित्तागोंग, ठीक है, ये किसका है, बांग्लादेश का, लाहौर कराची पाकिस्तान, मुंबई हरिद्वार, ये आपका इंडिया का है। ओके सैन फ्रांसिस्को सीटल, ये यूएसए, सिडनी सिडनी कैनबेरा, आपका ये ऑस्ट्रेलिया, कोलंबो जाफना, ये आपका है कोलंबो जाफना इज श्रीलंका, लंदन लंदन ग्लासगो इज इट यूके एंड पोखरा भगतपुर इज नेपाल, राइट, तो ये आप यहाँ से इसको अपनी बुक में राइट डाउन करिएगा, राइट। चैप्टर नंबर 15 है आपका वर्ल्ड करेंसी, करेंसी मतलब कि कौन से सिटी कौन से अपने कंट्री में कहाँ कौन कौन से करेंसी, करेंसी मतलब पैसा कौन सा चलता है, जैसे हमारे यहाँ रुपी हम लोग बोलते हैं, ठीक है, तो वैसे ही हर जगह का अलग अलग करेंसी है। लुक एट द करेंसी ऑफ दीज कंट्री फ्रॉम द वर्ल्ड सर्च एंड राइट देम अगेंस्ट द कंट्री, ठीक है, पहला ऑस्ट्रेलिया का क्या है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, इंडिया का रुपी, चाइना रेनबीबी, यूके सॉरी यूके का है प्रूड, ठीक है, फ्रांस इज यूरो, अप्रूव्ड स्टर्लिंग है यूके का, फ्रांस का है फ्रांस यूरो, इराक दिनार, जापान येन, कुवैत दिनर, मलेशिया रिंगिट एंड थाईलैंड इज भाग, ठीक है। तो ये सारे चैप्टर आपके चैप्टर नंबर 15 तक यहाँ कंप्लीट हो गया है क्लास फोर्थ का, ठीक है, तो आप अपनी बुक में कंप्लीट करिए और कंप्लीट करके मुझे सेंड करिए, और आपके हाफ ईयरली में चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 20 तक आएगा, तो अभी जो नेक्स्ट वीडियो जो मैं सेंड करूँगी आप लोगों को वो होगा 16 to 20 का, राइट, तब तक के लिए आप इसे अपने बुक में करिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।